हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मैं हूं तो सर्वसन सिंह और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल रीडिंग मांगिया। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं मोसेस के बारे में और ये है हमारा लेक्चर नंबर 10। अगर आप लोग मेरा पहले का लेक्चर नहीं देख चुके हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज का लेक्चर बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है। अगर आप लोग ये लेक्चर पूरा एंड तक देखते हैं तो आई होप आपको मोसेस का अलग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मोसेस जो होता है, मोसेस का प्रोमिनेंट स्टेज क्या होता है? मोसेस का प्रोमिनेंट स्टेज होता है गेमिटोफाइट्स। क्या होता है? गेमिटोफाइट्स होता है। हो गया। फिर ये गेमिटोफाइट्स का फिर दो स्टेज होता है। फर्स्ट क्या है आपका? प्रोटोनेमा स्टेज और सेकंड आपका है लीफी स्टेज। तो पहले हम अभी प्रोटोनेमा स्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोटोनेमा स्टेज जो है ये कैसा स्टेज है? इसमें क्या होता है? डेवलप्स फ्रॉम ए स्पोर। एक स्पोर से ये डेवलप होता है। कहां से? एक स्पोर से ये डेवलप होता है, फ्रॉम ए स्पोर। एक स्पोर से ये क्या होता है? डेवलप होता है। समझ में आ गया आपको? ओके। तो यहाँ पे इसका नेचर फिर क्या कैसा होगा? ये क्रीपिंग होता है। क्रीपिंग मतलब क्या है? ये जमीन में फैल के होता है। मतलब मान लीजिए ये आपका हो गया लैंड सरफेस। तो आप देखे होंगे ग्रास हमारा कैसा रहता है, ऐसे छोटा इतना ही सरफेस में ग्रास उगता है ना, कम ही सरफेस में। तो ऐसा ही ये क्रीपिंग नेचर का होता है, मतलब जमीन में फैल के होता है ये वाला। समझ में आ गया? और इसका कलर कैसा होता है? कलर होता है ग्रीन, ग्रीन होता है। ब्रांच्ड होता है। क्या होता है? ब्रांच्ड होता है, ब्रांच्ड होता है। और ये क्या होता है? ये फिलामेंटस भी होता है। तो पहले आप प्रोटोनेमा स्टेज का सारा नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लीफी स्टेज पढ़ेंगे। तो अभी हम बात करेंगे इसके लीफी स्टेज के बारे में। तो इसका लीफी स्टेज जो है यहाँ पे क्या होता है? डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा। सेकेंडरी प्रोटोनेमा से ये डेवलप होता है। समझ में आ गया? और ये कंसिस्ट क्या क्या करके रखता है? अपराइट स्लेंडर एक्सेस लीव्स। लीव्स ये कंसिस्ट करके रखता है। आपको नाम से पता चल जा रहा है, नाम हमारा क्या है? लीफी स्टेज है। तो ऑब्वियसली ये लीफ ही कंसिस्ट करके रखता होगा, है ना? तो ये ऐसा मैं एक जो स्ट्रक्चर बना दिया हूँ आपके जानने के लिए, लीफ का स्ट्रक्चर। और ये सॉइल के साथ अटैच होता है। सॉइल के साथ अटैच होता है किसके थ्रू? मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड राइजर्स के थ्रू ये सॉइल के साथ अटैच होता है। किसके थ्रू? मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड राइजर्स। हो गया। और ये क्या बियर करके रखता है? ये बियर करके रखता है सेक्स ऑर्गन। बियर, ये सेक्स ऑर्गन को बियर करके रखता है। तो पहले आप इतना तो नोट डाउन बना लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो अभी हम बात करेंगे इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पे जो इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रोसेस से होता है? फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से होता है। और किस प्रोसेस से होता है? एंड बॉडिंग से भी होता है। बॉडिंग से किस कहाँ पे होता है? ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा में बॉडिंग प्रोसेस से यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। समझ में आ गया? फिर यहाँ पे जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये तो आपका है मेल सेक्स ऑर्गन और ये है आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन हार्चिकोनियम। तो ये दोनों क्या होते हैं? ये कहाँ पे फाउंड होते हैं? एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स। एपेक्स में फाउंड होते हैं, लीफी शूट्स के एपेक्स में ये फाउंड होते हैं। लीफी शूट्स के एपेक्स में फाउंड होते हैं। और ये दोनों आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं? जाइगोट बनाते हैं। और ये जाइगोट डेवलप होता है किसमें? स्पोरोफाइट में। किसमें डेवलप होता है? स्पोरोफाइट में। और स्पोरोफाइट कंसिस्ट क्या क्या करके रखता है? जो हम लिवरवॉर्ट्स में भी पढ़ चुके हैं, फूट्स। फिर ये इसको बोलते हैं हम सेटा। और ये होता है हमारा कैप्सूल। हो गया। और यहाँ पे जो कैप्सूल में ये जो बिंदी बिंदी टाइप का दिख रहा है ये आपका क्या है? ये आपका है स्पोर। तो ये स्पोर कैसे जनरेट होता है? ये स्पोर मेयोसिस के प्रोसेस होने के बाद ये जनरेट होता है। समझ में आ गया? और स्पोरोफाइट के बारे में जितना लिवरवॉर्ट्स में नहीं है उससे कई गुना ज्यादा मोसेस में है, क्योंकि ये थोड़ा हायर ऑर्गेनिजम्स है लिवरवॉर्ट्स से। समझ में आ गया? ओके। तो फिर अभी हम इसके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल ये इसका क्या है? एफ एस पी। तो एफ में इसका क्या होता है?
इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, मैं लिख दूंगा आपको एस में, एस का बाद में हम डिस्कस करें, पहले एफ का देखते हैं। एफ में होता है आपका फ्यूनरिया, क्या होता है फ्यूनरिया। पी में होता है पोलीट्रिज्म, पोलीट्रिज्म हो गया। अब और एस में आपका क्या होता है, एस में होता है स्क्वाग्नम, स्क्वाग्नम। तो आई होप आपको मसल्स का सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, और मेरे चैनल में जो न्यू है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हमारी वीडियोस को बहुत सारा शेयर भी करना। तब के लिए बाय बाय।